पॉपुलर होने के लिए आदमी क्या क्या जतन करता है, पॉपुलर होने के लिए पॉपुलर के पेड़ क्या क्या जतन करते हैं, और इन पेड़ों का क्या हो सकता है। लकड़ी के कई इस्तेमाल हैं, इसी लकड़ी से दिया सलाई बनती है, माचिस मैचस्टिक बनती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये ललन टॉप की यूपी हालचाल यात्रा है। हम शामली में हैं। हम लोग अमूमन लगता है कि वेस्टर्न यूपी मतलब कृषि प्रधान इकोनॉमी, वो भी एक सत्य है, पर यहाँ कई शानदार इंडस्ट्रीज भी हैं, और उनमें से एक इंडस्ट्री है जो नॉर्थ इंडिया की इकलौती फैक्ट्री है जहां पर बनती है माचिस। तो माचिस कैसे बनती है, लकड़ी की इस ढेर से फाइनल प्रोडक्ट तक का आपको सफर समझाएंगे, और इस सफर में मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक होंगे मेरे नए बने दोस्त अनुज गर्ग जी। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। एंड आई एम रियली फैसिनेटेड, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने से पहले एक राउंड लगा चुका हूँ जी, जी। तो अब जेरी जी का कैमरा सारे स्टेप्स को माचिस बनाने के कैप्चर करेगा, और आप हमें समझाएंगे, हमारे व्यूअर्स को, कि ये माचिस बनती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले मुझे आप स्टेप वन बताइए कि इसकी जो कच्चा माल है, खासतौर पर लकड़ी, वो कहाँ से आती है, प्रोक्योरमेंट, रेट, क्या चीजों का ध्यान। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारी लकड़ी यहीं पे अवेलेबल है, हमारे लोकल एरिया में, लगभग 50-60 किलोमीटर में ये बहुत है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। पॉपुलर की लकड़ी है ये, 4 से 5 साल में इसका पेड़ तैयार हो जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा किसान को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक बार लगा दिया, पानी का ध्यान रखे, और कुछ टाइम के बाद उसकी टहनियाँ काट दी, बस इतना काम करना होता है। और ये बहुत अवेलेबल है, और इसकी दूसरी डिमांड इसकी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ में है, जो कि हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास यमुनानगर की मंडी है बहुत बड़ी, वहाँ पे लगभग 1000 प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी इसकी डिमांड है, इसलिए काफ़ी लोग लगाते हैं इसको। किसान की कैश क्रॉप है ये, वो रात को पैसे चाहिए तो रात को पैसे मिलते हैं उसको, और बड़ा अच्छा प्राइज़ मिलता है इसको। ये मतलब ये थोड़ा फनी लग सकता है आपका सवाल, लेकिन क्या भाव मिलता है, सर सारी बात पूछेंगे व्यापार की। जी जी, ये 9 रुपए किलो के लगभग मिल रहा है आज की तारीख में, अच्छा माल जो है इसका। हाँ जी, चलिए अब लकड़ी हमारे पास आ गई है, अब लकड़ी से माचिस बनाना शुरू करते हैं। स्टेप टू क्या होता है? लट्ठा हमने आ गया, उसकी क्वालिटी चेक कर ली जो हमारे को चाहिए। स्टेप वन ये हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको काटते हैं, लकड़ी को इसका छिलका उतारते हैं, डिबार्किंग जिसको बोलते हैं, वो भी मशीनों से हम लोग करते हैं, कहीं पर मैनुअल भी करते हैं, और उसके बाद इसको एक पीलिंग होती है इसकी, जिसमें इसकी लेयर्स निकलती हैं लकड़ी की, और उसके बाद इसको एक चॉपिंग मशीन होती है, उस पर साइज सेट करके इसको चॉपिंग करके इसको गीली तिल्ली हमारे को मिल जाती है। साइज जनरली इसकी लंबाई होती है 40 mm, क्योंकि स्टैंडर्ड है, कई बार बड़ी माचिस भी बनती है तो उसकी 46 mm हो जाती है, और कुछ और जी जी, वो होम लाइट की जो आती है उससे बड़ी भी बनती है, जो यूरोपियन कंट्रीज में माचिस हो जाती हैं उसमें और बड़ी होती हैं, उसमें 60 mm 70 mm तक होती हैं, बट इंडिया में जो चलन है वो 40 mm और 46 mm, दो तरीके की लंबाई का चलन दिया गया। चॉप हो गई, वो उसके बाद में एक प्रोसीजर है, एक छोटी सी लेवलिंग मशीन लगाई गई है जिसको झरना बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर जाती है, जो टूटी हुई जो खराब है वो अलग हो जाती है, और जो फ्रेश होती है वो अगले स्टेप पे चली जाती है। अगला स्टेप इसको सुखाने का है, ड्राइंग है, इसमें एक ड्रायर होता है जिसके अंदर 170 डिग्री के करीब टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसमें गीली तीली डलती है, और 20 मिनट के बाद वो सूखी एकदम हमारे को मिल जाती है, एकदम गर्म, और जी जी बिल्कुल एकदम कोई मॉइस्चर नहीं होता उसको, रेडी टू यूज होती है वो। और मौसम की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे वेस्ट यूपी में हैं या वेस्ट नॉर्थ इंडिया में हैं, तो यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सारे मौसम है, नहीं तो फिर हम लोग 6 महीने हमारे को काम बंद करना पड़ेगा। हाँ जी जी, फिर आता है स्टेप फोर। हाँ, स्टेप फोर में जैसे वो गरम गरम ड्राइंग होके निकलती है, वो एक पॉलिश ड्रम है, उसके अंदर हम लोग वैक्स डालते हैं, जिससे कि उसकी जो खुरदरापन है, जो उसकी स्मूथनेस है, वो आ जाती है। वो इसलिए करते हैं कि माचिस जब हाथ में तिल्ली लेके आदमी रब करता है जलाने के लिए, तो जो माचिस के अंदर फाइबर्स हैं उसके हाथ में ना लगे, फांस ना लगे, फांस ना लगे, बिल्कुल स्मूथली जो है हाथ में, हाथ से उसको जला सके।
तो ये हल्का सा वैक्स लगाते हैं, वो ऑनलाइन प्रोसेस चलता है। कैसे वैक्स लगाने का प्रोसेस? वैक्स के लिए एक सिंपल वैक्स का ड्रम होता है। अच्छा। एक ड्रम होता है, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। हाँ। उसके अंदर वैक्स के पीस चले जाते हैं और वो रोटेट करते करते उसके अंदर असर आ जाता है। हाँ, फ्रिक्शन होता है हल्की, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो हाँ, तो उस पर हल्की सी कोटिंग हो जाती है और वो स्मूथ हो जाती है, जिससे हाथ में फास्ट लगने का खतरा नहीं होता। और उसी के साथ में एक स्टेप, हमने कुछ लेवलिंग मशीन लगाई हुई है जिसमें कि जो तिल्ली छोटी हो गई, बड़ी हो गई या वेस्टेज हो गया, वो भी उसी प्रोसेस के अंदर सेलेक्ट होके हमारे को वो अलग हो जाती हैं। और जो अच्छी ग्रेडिंग हो गई, ग्रेडिंग क्या, वो वेस्ट निकल जाती है और जो अच्छी तिल्ली हैं वो हमारे को यूज रेडी टू यूज़ हो जाती है माचिस बनाने के लिए। तो अब तिल्ली तैयार है? जी जी, मोम लग के बिल्कुल। अब अगला स्टेप हम आते हैं माचिस बनाने के लिए। उसके अंदर एक मदर मशीन जिसको बोलते हैं मेन मशीन, वो डिपिंग मशीन में ये तिल्ली जाती है। डिपिंग मशीन, मसाला, उसी मशीन के अंदर हम लोग मसाला अलग से बना के उसी मशीन में मसाला रखते हैं और उसमें ट्रैवल करते करते तिल्ली पे मसाला लगता है, वो ट्रैवल करते हुए सूखता है वो मसाला, फिर जो मसाला लगी हुई तिल्ली है आधा घंटे के बाद हमारे को मिल जाती है। आधा घंटा वो उसमें घूम रही है? पहले जी जी, पहले उसमें तिल्ली घुसती है, घुसने के बाद उस पर मसाला लगता है, मसाला लगने के बाद उसके ऊपर फिर वो घूमते घूमते जो है सूखती है, ट्रैवल टाइम जिसको बोलते हैं उसका, जिसके अंदर स्टीम सुखाने का काम करती है उसको, और फिर वो गर्म भाप पे, गर्म भाप ऊपर उसमें एडजस्टमेंट लगे हुए, पंखा लगा हुआ है जिससे कि वो सूख जाती है। ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा कि आंच ज्यादा भी दे सकते कि वो जल जाए। जी 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 बिल्कुल, उसमें एक गर्म भाप देते हैं तो फिर से वो मॉइस्चर नहीं आता। नहीं, मॉइस्चर नहीं आता, वो उसी तरह का एडजस्टमेंट है। एब्जॉर्प्शन के लिए भी लगा हुआ है इसमें पंखे। जो मसाला लग के मसाला ही तैयार है। बिल्कुल जी। अब उसके बाद एक हमने कोरियन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। कोरियन टेक्नोलॉजी। पहले इसमें बहुत सारी लेबर लगती थी, लेबर अभी भी लगती है, बट उसमें क्या है कि एक्यूरेसी नहीं आती थी। लेबर हाथ से तिल्ली भरती थी, हम लोग 30 का कमिट कर रहे हैं तो 20 चला गया, 25 चला गया, तो उस सब चीज़ों को एक्यूरेसी लाने के लिए मार्केट में वो वैसे भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी से 30 का कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको 28 देना, तो उसमें एक परफेक्शन होके निकलता है। उसके अंदर दो मशीनें अलग से लगाई हुई हैं, एक तो इनर बॉक्स बनाती है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक तो ये इनर बॉक्स ये होता है, ये अंदर की डब्बी होती है, ये बनती है, ये आउटर बॉक्स बनता है, और ये वो वाली तिल्ली है जो हमने डिपिंग मशीन में मसाला करके तैयार कर ली है। तो ये सब जाने के बाद उसमें तीनों एडजस्टमेंट लगा होता है, पूरी की पूरी माचिस बन के उसमें तैयार हो जाके निकल जाती है। जी जी बड़ी अच्छी है। इस मशीन के अंदर लोग 6 लाख माचिस तैयार कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर। एक दिन में 6 लाख माचिस की डब्बियां जी जी तैयार हो जाती है। आखिरी स्टेप सर इसका पैकेजिंग है। इसको 10 के पूड़े में पैक करना पेपर में, उसके बाद इसको श्रिंक रैप करना, उसके बाद इसको जो है पेटी एक बनाना, 600 माचिस की पेटी बनती है जो स्टैंडर्ड है बेचने का, वो सब इसकी पैकिंग है मेनली, रेडी टू डिस्पैच। हमारा जनरली हम लोग नॉर्थ इंडिया में अकेले हैं, तो हमारा जो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे वो J&K हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल हुआ, यूपी, बिहार, ये ऑलमोस्ट मेन मार्केट हमारे ये हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में ये मेन बिजनेस है, तो साउथ में हम लोग नहीं बेचते हैं, यहाँ से फ्रेट का भाड़ा ज़्यादा पड़ता है। साउथ इंडिया में जो ये काम है, सेवाकाशी बेस काम है ये, तो वो लोग कैटर करते हैं बाकी के स्टेट्स साउथ इंडिया में। अब मेरे दो सप्लीमेंट का सवाल है, माचिस की तीली बनी, मान लो तीली बनते बनते उसमें वो आगे मसाला लगा, हाँ जी, है ना, और फिर वो कुछ खराब हो गई, ज्यादा मसाला लग गया, कम लग गया, उसकी भी छटाई करते हैं? हाँ, उसकी भी छटाई होती है जी। वो जो मैंने आपको बताया कोरियन मशीन जो है डिपिंग, उसके अंदर प्रोसेस है उसका भी, कि वो भी निकल सकती है, और उसको मैन्युअली भी विजुअली भी लड़के देखते रहते हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, उनको लगता है कि ये खराब है तो वो उसको हाथ से बिठा देते हैं। खराब भी सलाई करते हैं? वो सिर्फ बॉयलर में जाता है जलाने के लिए। जी जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा इस प्रोसेस का है, जब माचिस से हम तिल्ली निकालते हैं,
पुआल जब तक बढ़िया काम नहीं करेगी अच्छा पूजा पाठ हो लेकिन यहाँ तो मतलब जिस चीज से आग लगती है उसमें आग ना लगे ना फायर से जी जी बहुत चिंता करनी पड़ती है। हाँ नहीं चिंता करनी मुहावरा है कि साहब माचिस के ढेर पर बैठे हुए जी जी बारूद के ढेर पर जी जी हमने भगवान के आशीर्वाद से आज इसमें 9 साल हो गए हैं कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है और भविष्य में भी ना हो पर कभी छोटी मोटी होती है तो उसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम है पूरी फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड है 5 लाख लीटर का टैंक है बिजली जाने के बाद अलग से व्यवस्था है डीजल जनरेटर जिसको बोलते हैं वो व्यवस्था है जो सेंसिटिव मशीन है उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगे हुए हैं अगर कोई फायर होती है तो विद इन सेकेंड्स उस पर काबू पा लिया जाता है ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रिंकलिंग काम करना शुरू कर देते हैं तो पूरा पक्का व्यवस्था है कभी आज तक छोटी मोटी फायर हुई है तो फायर ब्रिगेड को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी फैक्ट्री के अंदर वहाँ व्यवस्था है बाकी हमारे जितने भी लोग हैं 8-10 लोग ट्रेंड हैं फैक्ट्री के अंदर जो इमीडिएट जो है उसको काबू कर लेते हैं फायर फाइटर्स एम को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए एम माचिस को लेकर आपको क्लैरिटी हो गई है और हमारी ज़िंदगी को लेकर हमको भी थोड़ी सी क्लैरिटी है हमारा एक ही गाई है कि हमें अपने वक्त की हिंदुस्तान की कहानियाँ सुनानी है ये हमारा एक ही गाई है हमारा एम है कहानियाँ बाँचते रहेंगे आपको थोड़ा थोड़ा शोर भी सुनाई दे रहा होगा ये रियलिटी का शोर है क्योंकि फैक्ट्री में काम चल रहा है काम इसी तरह चलता रहे ये मैं उम्मीद रखता हूँ और फिलहाल यहीं पर थमता हूँ थैंक यू।